पहाड़ी मक्की हिमाचल आने वाले पर्यटकों की पहली पसंद बनती जा रही है। इन दिनों शिमला सोलन नेशनल हाईवे पर मक्की बेचने वालों और खरीदारों के बीच खूब होड़ लगी है। पहाड़ी मक्की का सेवन कर जहां पर्यटक अपने सफर को आनंदमय बना रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस व्यवसाय से जुड़े लोगों की भी चांदी हो रही है। सोलन शिमला सड़क पर स्थानीय लोग ही नहीं बल्कि इन दिनों बाहरी राज्यों से आए लोग भी मक्की भुट्टे के व्यवसाय को अपनाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से मक्की व्यवसाय से जुड़े लोगों की तादाद में भी काफी इजाफा हुआ है। पर्यटकों को पहाड़ी मक्की इस कदर पसंद आ रही है कि वे बिना भुने भी मक्की को अपने साथ ले जा रहे हैं। पर्यटकों की माने तो हिमाचल प्रदेश में पाई जाने वाली मक्की अन्य राज्यों से कहीं अधिक स्वादिष्ट है। इस व्यवसाय से जुड़े लोग भी अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं। भुनी हुई मक्की 20 रुपए प्रति मक्की जबकि 15 रुपए में कच्ची मक्की बेची जा रही है। कहाँ से आए आप? जमुनानगर से। अच्छा जी, कहाँ जा रहे हो आप? रास्ते में देखा मक्की ले रहे हैं और मक्की को आजकल जूं खानी चाहिए और जो भी आए यहाँ से मक्की जूं खा रहे हैं। हरी मक्की सेहत के लिए बहुत अच्छी है। सेहत के लिए अच्छी है तो क्या आप ये मक्की ले जाएंगे हिमाचल से? ले जाएंगे। कहाँ से आए हैं? पंचकुला से आई हूं। पंचकुला से तो आप जा रहे हैं? अच्छा जी, तो कंडाघाट में ये मक्कियाँ भून रहे हैं, बड़ी अच्छी आजकल सीजन में मानसून में बड़ी अच्छी मक्कियाँ मिट्टी मक्कियाँ हैं तो इसलिए हम। तो ये आप क्या फर्स्ट टाइम खा रहे हो? नहीं नहीं, ये हमारी फेवरेट वो है। गौरतलब है कि हिमाचल दौरे के दौरान पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी भी एक बार सोलन के बड़ोक के समीप मक्की का स्वाद ले चुकी है। वहीं बीते दिनों सोलन में आयोजित WWE की फाइट को प्रमोट करने के लिए सोलन पहुंची बॉलीवुड अदाकारा राखी सावंत ने भी अपने रोड शो के दौरान सलोगड़ा के मनसार में मक्की का स्वाद लिया था। सिटी चैनल के लिए कंडाघाट से ललित वर्मा की रिपोर्ट।